वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मुराद हुसैन। हम इस वक्त दनियोर से चंद मुसाफत पे मौजूद हैं। हमारा जो ट्रिप है वो दनियोर बनोगा नाला है। हमारे साथ इस वक्त ट्रिप में शामिल हैं समर अब्बास कज़ाफ़ी, उसके साथ वजात अली हमारे साथ होंगे। इंशाल्लाह हम दनियोर का जो सियाती मकाम, करीब तरीन सियाती मकाम दनियोर मनोगा नाला के, आपको विज़िट कराएंगे, वहाँ पे दिखाएंगे आपको खूबसूरती, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाएंगे और साथ में हमारे जो जर्नलिस्ट हैं वहाँ पे, तो उनसे हम पूछेंगे कि उधर जाने के बाद उनको ये कैसा लगता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरत वैली दनियोर से होते हुए तकरीबन एक घंटे का डिस्टेंस कवर करके हम यहाँ पे रास्ते में आए हैं। हम बेसिकली इस कोरोना के पेंडेमिक में जहाँ पे लोग जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ जाते हैं, आइसोलेशन की तरफ जाते हैं, अपना क्वारंटाइन होते हैं, तो हमने समझा कि आज के इस दौर में जो है वो बेस्ट अपने आप को क्वारंटाइन करने का, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए या आइसोलेशन के लिए जो बेस्ट प्लेस है वो हाइकिंग और ट्रेकिंग है। दनियोर के मनोगा वैली जाने के लिए हम निकले हैं, तकरीबन एक घंटे का हम डिस्टेंस कवर करके हम यहाँ पे आए हैं और तकरीबन यहाँ से आगे तीन घंटे की ट्रेकिंग पे हम इंशाल्लाह मनोगा में पहुँच जाएंगे फर्स्ट डे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट डे जो है वो हम आगे जो अपना मनोगा वैली के अंदर जितनी भी वैलीज़ हैं उसको हम वहाँ पर कवर करेंगे। इंशाल्लाह हम तीन दिन की ट्रेकिंग और हाइकिंग के लिए हम यहाँ पर आए हैं और हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ, हमारे साथ मीडिया की टीम है। यकीनन आज के इस दौर में जो है वो हाइकिंग और ट्रेकिंग बेस्ट जो है प्लेस है। हमें चाहिए कि इस तरीके के हम जाके इवेंट्स करें, इस तरीके से हम थोड़ा इंटरटेनिंग करें जहाँ पे हम नेचर को हम एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर जो खूबसूरत दरिया बहता है उसको हम इंजॉय करते हैं, यहाँ के माउंटेंस हैं, फिर उसके बाद यहाँ का फॉरेस्ट है। हमने यहाँ पे आते हुए महसूस किया कि ये गिलगित सिटी से नज़दीक तरीन जो टूरिस्ट स्पॉट है दनियोर मनोगा है, लेकिन आज तक यहाँ पे रोड नहीं होने की वजह से जो है वो यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं। अगरचि मौजूदा गवर्नमेंट ने इस हवाले से यहाँ पे रोड पे काम स्टार्ट किया है, लेकिन इस रोड को पहले से होना चाहिए था। ये बहुत ही खूबसूरत पिकनिक स्पॉट है जिसको डिस्कवर करके दुनिया भर के टूरिस्ट को जो है वो अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो हम आगे की तरफ चलने लगे हैं, तो इंशाल्लाह आगे जाते हैं और देखते हैं कि हमें आगे क्या देखने को मिलता है। थैंक यू। We'll be right back.
तय करके इस वक्त हम मेरे पीछे बिल्कुल कुल मुरकुई का इलाका है, मेरे सामने जो था वो फट है जो हमने पीछे छोड़ दिया। अब इससे आगे साथ में आप देख सकते हैं ये हुनकुई हो गया, यहाँ पे नाले टच करते हैं, मुख्तलिफ चरागाहें हैं, इसको खलतर वैली कहते हैं, यहाँ पे चाट रुंग कहते हैं, इससे पीछे ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो शनी कहते हैं। तो इससे हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ाव होगा गपुल, गपुल में होगा, गपुल के बाद इंशाल्लाह ऐसा ऐसा हम आगे मूव करेंगे। हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की खूबसूरती, यहाँ के आबिशार, यहाँ के पानी, यानी कोशिश करेंगे कि हर वो चीज़ आपको दिखाएं जो आपने पहले कभी नहीं देखा। आए तो आगे चलते हैं, हमारे साथ हमारी मीडिया की टीम भी मौजूद है, जिसमें हमारे साथ वजाद अली हम न्यूज़ को लीड करते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है, कमर अब्बास कदाफी जो उभरते हुए जर्नलिस्ट हैं, गिलगित बल्तिस्तान के माने हुए जर्नलिस्ट हैं, उनको लेके आज हम अपने दनियोर मनोगा नाले के अंदर मौजूद है। वहाँ पे हम जंगल का सैर करेंगे और वहाँ पे जो चरवाहे रहते हैं उनसे हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किन मुश्किलात से दो चार हैं और वो कैसी ज़िंदगी यहाँ पर काटते हैं। तो हम इंशाल्लाह आपको तमाम वो चीज़ें दिखाएँगे। करीब पहुंचे हैं, इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। हमारे साथ कुछ हमारे दोस्त अहबाब भी आए हैं जो दनियोर से ट्रेवल करके, बहरहाल हमारा जो सफ़र था वो ऐसा था, जो हमसे पीछे आए थे वो हमारा मुकाबला करके हमसे आगे भी निकल चुके हैं, इनके साथ जाएंगे, इनके जो वैली है वो देखेंगे, उसके बाद इन दोस्तों के साथ हम चाय पियेंगे, वो मंजर आपको दिखाएँगे। चले देना यहाँ से राकापोही के साइड से बगरोट की तरफ भी जा सकते हैं, मिनापिन नगर साइड पे भी जा सकते हैं यहाँ पे, और उसके बाद वो क्या कहते हैं गुर जुगलोट गुर, यहाँ का एक राकापोही का एक साइड गुर में, एक नगर में है, एक बगरोट और एक यहाँ दनियोर नाला में है। मैं आने वाले सयाहों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये गिलगित का करीब तरीन नाला है,
और उसके बाद ये गिलगित से 8 किलोमीटर का रास्ता है और इससे आगे बहुत खूबसूरत जगह आप देख सकते हो, राकापोशी है और जंगलात भी ज़्यादा है, खूबसूरती भी ज़्यादा है, तो आप लोगों को देखने के लिए बहुत कुछ है। आप यहाँ पे पिक्स भी निकाल सकते हो, वीडियो शूट भी कर सकते हो। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं यहाँ पे मनोगा नाला, जो गिलगित सिटी से करीब तरीन एक ट्रैकिंग एडवेंचर और टूरिस्ट स्पॉट है, एक पास्चर है, ग्रीनरी है और लैंडस्केप है यहाँ पे आपको। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इस पास्चर की, वो आपको राकापोशी का साउथ फेस यहाँ से मिलेगा। जो भी क्लाइंबर्स हैं इंटरनेशनल, और उसकी मिसाल ये है कि गुज़िश्ता साल दो जैपनीज जो क्लाइंबर थे, उन लोगों ने यही साउथ फेस से जाके पहली दफ़ा इस राकापोशी को सर किया था। और ये बड़ा ईजी है, नगर के नस्बत यहाँ से सर करना बड़ा ईजी है और बड़ा खूबसूरत लैंडस्केप, बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ से आपको देखने को मिलता है। और उसके साथ साथ इस इलाके का खसूसी बात यह है कि यहाँ से बहुत सारे पासेस निकलते हैं, खसूस यहाँ से जो आप वादी बगरोड के लिए यहाँ से मूव कर सकते हैं 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक। इस वक्त यहाँ पे ग्लेशियर है, ग्लेशियर की वजह से आप क्रॉस नहीं कर सकते। जब 15 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक जो है वो ग्लेशियर काफ़ी हद तक मेल्ट होते हैं, आप वहाँ से पास कर सकते हैं। और यहाँ से सिनेकर जो वैली है बगरोड की, वहाँ पे भी जा सकते हैं और बुल्च जो वैली है वहाँ पे भी जा सकते हैं। जबकि अगर आप वेस्ट की बात करते हैं तो वेस्ट से आप यहाँ से जो वादी नोमल है वहाँ तक आप ट्रेवल करके इजीली 2 से 2.5 घंटे में ट्रेक करके वहाँ पे जा सकते हैं। अगर हम इस पूरे ट्रेकिंग की बात करते हैं, जो टूरिस्ट आना चाह रहे हैं, जो एडवेंचर के शौकीन हैं हमारी तरह वो आना चाह रहे हैं, तो गिलगित से तकरीबन ये है कि जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं इस तक तकरीबन ये है कि कोई 15 से 20 किलोमीटर का ट्रैक है दनियोर से, और तकरीबन यह है कि 8 किलोमीटर तक रोड भी बना हुआ है। रोड के बाद फिर वहाँ से आप अपनी गाड़ी छोड़ के बेहतरीन किस्म का ट्रैक कर सकते हैं। जून के एंड में इस वक्त यहाँ पे इतनी सर्दी है कि आपको जैकेट पहनने की ज़रूरत पड़ती है, और लोग बड़े मेहमान नवाज हैं। जब भी आप ट्रैक के लिए आएँ अपने साथ पूरे इक्विपमेंट स्टिक वगैरह और तमाम चीज़ें अपने साथ लेके आ जाएँ, और यहाँ के लोग बड़े मेहमान नवाज हैं और आप कैंप लेके आ सकते हैं, यहाँ पे कैंप लगा सकते हैं, पानी यहाँ पे मिलेगा और उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ और जो ऑर्गेनिक फूड है वो यहाँ के लोग जो हैं वो आपको दे देंगे। और यहाँ के लोग ही बड़े बेहतरीन किस्म के गाइडर हैं, उनको तमाम रास्तों का पता है, वो एक एक चप्पे का आपको बताएंगे। यहाँ पे बहुत सारे और भी रास्ते निकलते हैं, यहाँ पे कुछ लेक्स भी हैं, यहाँ पे ऊपर कुछ मतलब लैंडस्केप बहुत खूबसूरत किस्म के इलाके भी हैं, और उसके साथ तीनों डायमेंशन पे ट्राइंगल्स पे यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रैक निकलते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 2 दिन का प्रोग्राम बना के आते हैं या 1 हफ़्ते का प्रोग्राम बना के। अगर 1 हफ़्ते का प्रोग्राम बना के आते हैं तो तब जाके ये जो पास्चर है, मनोगा नाला है दनियोर, जो गिलगित शहर से करीब तरीन इलाका है, उसको आप 1 हफ़्ते में मुकम्मल तौर पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही मतलब रोमांटिक जगह है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि आप ईज़िली आराम से आ सकते हैं, बहुत ही सेफ जगह है, लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं। आप यहां से जाके साउथ फेस में बैठ के राकापोशी का जो ग्लेशियर है और उसके साथ साथ ये कि वो शवारन जो बिल्कुल खूबसूरत किस्म का ग्रीनरी है वो भी आप देख सकते हैं। ऐसे मशहूर कुल नज़ारे हैं, वो कहानियां लोग कहानियों में गिलगित बल्तिस्तान में आज भी सुनाया जा रहा है कि राकापोशी में परियां आती थी। तो जब उस नज़ारे पर आप जाते हैं तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई ये परियों का मस्कन है। तो इसी जगह के लिए कहा गया था कि ये परियों का मस्कन है, यहाँ पर परियाँ उतरती हैं और परियाँ नाचती हैं। ये जगह देखेंगे तो यकीनन ये है कि टूरिस्ट इस इलाके का दीवाने हो जाएंगे। आप आज तक ये एक्सप्लोर नहीं हुआ था और हमारी कोशिश होगी कि इस इलाके को मज़ीद थोड़ा सा एक्सप्लोर करें। ये हमारी पहली दफ़ा है और मज़ीद इंशाल्लाह हम यहाँ पे आते रहेंगे, यहाँ की खूबसूरत तरीन लैंडस्केप आपको दिखाते रहेंगे। अच्छा, यहाँ पर मनोगा वैली के अंदर आके आज हमने एक रात हम यहाँ पर स्टे किया। यहाँ पे हमने रात को जो यहाँ पे आसमान पे हमने सितारे हमने देखे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव सितारे हमने देखा, वो कहीं पे हमने नहीं देखा था। क्योंकि यहाँ पे खूबसूरत जो है नेचुरल क्लाइमेट है, यहाँ पे जो है वो कोई पोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सुकून है। जिस तरह इंसान सिटी लाइफ में जो है वो शोर होता है, वहाँ पे लाइफ जो है वो बहुत मुश्किल होती है, इसी तरह विलेज लाइफ के अंदर इंसान की ज़िंदगी जो है वो बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर प्योर नेचुरल जो है वो ऑर्गेनिक इंसान की लाइफ यहाँ पे होती है।
इंसान को कोशिश करके अपनी फुर्सत के लम्हात में वक़्त निकाल के इस किस्म की खूबसूरत जो वैलीज़ हैं, कुदरत के हसीन नज़ारे हैं, उनको उनका विज़िट करना चाहिए। यहाँ पे जो चीज़ हमने देखा यहाँ मनोगा वैली के अंदर, ये वैलीज़ स्पेशली पाश्चर्स के हवाले से बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पे आपको लश ग्रीन व्यूज़ आपको नज़र आएंगे यहाँ पे, फिर उसके बाद अनएक्सप्लोर्ड जो प्लेसेस हैं यहाँ पे, फॉरेस्ट यहाँ पे बड़े पैमाने पे यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा जो राका पोशी का जो साउथ फेस है वो यहाँ से उसका व्यू यहाँ से नज़र आता है। इस पे जो है वो हम इसी राका पोशी से दूसरे साइड से हम नगर साइड की तरफ भी यहाँ से हम जा सकते हैं। लास्ट पिछले साल जो है वो जापनीज के कुछ ग्रुप्स ने यहाँ पे अपना राका पोशी को यहाँ से जो है वो सर किया था। इसी तरह जो मेरे इस जानिब जो है वो यहाँ पे आपको राका पोशी का जो बगरोड साइड का व्यू है वो भी यहाँ से आपको नज़र आता है। हम यहाँ से भाई जो अपना पास है, अपना बगरोड वैली का जो पास है, उससे हम हाइकिंग और ट्रेकिंग करके हम बगरोड वैली को भी हम टच कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे ये एक पास्चर वैली भी है, यहाँ पे बहुत से पासिस भी हैं जिसके थ्रू हम नगर वैली को भी टच करते हैं, फिर उसके बाद जूताल वैली को भी हम टच करते हैं, बगरोड वैली को भी हम यहाँ से टच करते हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों के हवाले से हम आपको बताते चलें कि यहाँ के लोगों ने जो हमें हॉस्पिटलिटी हमें दिया, यहाँ के लोगों की मेहमान नवाजी, हम रात को तकरीबन पहुँचे थे 11 बजे यहाँ पे हम आ गए। जिस घर में हम ठहरे, जिस अंकल के पास, उन्होंने जो हमें हॉस्पिटलिटी दिया, उन्होंने रात को जाग के जो है वो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम किया। यहाँ पे जो हमने खाया वो नेचुरली यहाँ के जो ऑर्गेनिक फूड है, यहाँ के अपना वेजिटेबल्स हैं, उनको हमने यहाँ पे खाया और हमने बहुत ही इंजॉय किया। ओवरऑल ये जो है अपना नेचुरल एक पिकनिक स्पॉट है, नेचुरल इस किस्म की चीज़ों को हमेशा जो है वो हमें टाइम निकाल के इसको इंजॉय करना चाहिए। अपने वीकेंड पे अपने दोस्तों के साथ, इवन हम अपनी फैमिलीज को लेके हम यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ के नेचर को हम एंजॉय कर सकते हैं। हमारा जो सफ़रनामा था वो अगले किसी अच्छी खूबसूरत वैली की हम आपको विजिट कराएंगे। उम्मीद है आपको आज का हमारा छोटा सा सफ़रनामा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबाएँ।